वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज मैं आपको लॉजिटेक Z906 का इसके कंसोल के फंक्शंस और हाउ टू ऑपरेट दिस, किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एंड सेकंड इसकी कनेक्टिविटीज़ जो है वो पीछे हार्डवेयर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा ये सेट यहाँ पर इस वक्त ऑन हो गया है, और ऑन होने के बाद ये इनपुट वन पर आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इनपुट वन है, इनपुट वन इसकी जो है वो ये है, 5.1 सराउंड साउंड है, 5.1 चैनल है इसकी इनपुट वन। अब हमने ये सेकंड नंबर पे जो इसकी इनपुट है ये RCA है, और RCA के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो ये ऑप्टिकल है, फिर सेकंड ऑप्टिकल है, फिर उसके बाद कॉक्सिल है। इट मींस के इसमें जो पीछे आउटपुट जो दिखाई गई है 1, 2, 3, 4 और ये 5, और जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर देखे हैं यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5। अब ये इनपुट वन है, इनपुट को आपने जब चेंज करना है, जैसे अभी ये 5.1 पर है, अब मैंने इनपुट चेंज करनी है, ये मैं 2 पर आ गया हूँ। 2 पर आने के बाद जो है ये आ गया RCA पे, और RCA के बाद इसने अपने तमाम तर यहाँ से बटन्स ये खोल दिए थे कि किस तरीके पे काम करना है। थर्ड नंबर पे ये ऑप्टिकल आ गया, ये देखें सारी लाइट्स ऑन हो गई, यानी कि ये जो लाइट्स ऑन होती हैं ये इसका मास्टर कंट्रोल होता है, और सेकेंड उसके बाद ये इसके ये वूफर आ गया इसका, और ये दो स्पीकर जो है इसके रियर होते हैं, और ये दो स्पीकर की लाइटें जो हैं इसकी ये फ्रंट की होती हैं, और ये सेंटर स्पीकर की लाइट होती है। अब आप देखें जैसे ही मैं मूव करूँगा इसको, इस वक्त ये ऑप्टिकल वन पर है, ये ऑप्टिकल टू पर आ गया है, और ये इस वक्त कॉक्सिल पर आ गया है, और ये आ गया है ऑक्स कनेक्टिविटी पर। अब ऑक्स कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं की गई है। ऑक्स कनेक्टिविटी इसकी इस कंसोल के साइड में है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसकी ऑक्स कनेक्टिविटी है, और ये इसके हेडफोन का जैक है। ऑक्स आपको चलाना है तो आपको पिन यहाँ पर लगानी पड़ेगी, अपना 3.5 mm का जैक जो है वो यहाँ पे लगाएंगे आप। सेकंड ये इनपुट आप समझ गए हैं, और ये इनपुट टू आ गई है इसकी। अच्छा, सेकंड ये इसका फंक्शन है स्टेरियो का। अब आप स्टेरियो पे रखना चाहते हैं 3D पे, तो एक आपको एक हाल टाइप का इको टाइप का साउंड बना के दे देगा ये। अगर आप चाहते हैं कि 4.1 चैनल पे चलाना है तो 4.1 चैनल पे ये आपका सेट हो जाएगा, यानी कि 3D पर आपका सराउंड ऑन हो जाएगा, ऑप्टिकल ऑन हो जाएगा, ऑप्टिकल 1, 2 कॉक्सिल ऑन हो जाएगा, और डिकोड अगर आप करना चाहते हैं तो डिकोड भी हो जाएगा। 3D पे आप रख दें तो आप फिर ऑक्स कनेक्टिविटी में लगाएं, RCA में लगाएं, या आप इसका किसी भी कनेक्टिविटी में आप कनेक्ट करेंगे तो आपका ये डिकोड करके 5.1 में कन्वर्ट कर देगा, ये डिकोड ऊपर लिखा हुआ है। सेकंड स्टीरियो के बाद थर्ड कनेक्टिविटी जो है वो हमारे पास आती है 2.1 की। अब 2.1 पे आप देखें ये क्या कर रहा है, एक वूफर और दो स्पीकर ऑन कर दिए इसने, ठीक है जी। अब ये आप ऑन, अब आपने ये चेक करना है कि स्पीकर्स हमारे कितने ऑन कर रहा है। अब देखें मैं इस वक्त 2.1 पे था चैनल पर, अब मैं 4.1 चैनल पर आया हूँ तो भी इसने सारे ऑन कर दिए, एक वूफर और पाँचों स्पीकर ऑन कर दिए। सॉरी, 3D पर था मैं, सॉरी 3D पर इसने पाँचों ऑन कर दिए, और 4.1 पे आप देखें सेंटर इसने बंद कर दिया है, और चार स्पीकर रियर फ्रंट और एक वूफर ऑन कर दिया है, ये देखें आप। यानी कि 4.1 पे आपके चार स्पीकर एक वूफर ऑन करेगा, और 3D पे आपका सराउंड साउंड ऑन कर देगा, और 2.1 पे आपका ये 2.1 ही चैनल ऑन करेगा। तो हमने इसको 3D पे रखना है कंटिन्यू, ठीक है ना। अगर आपने 2.1 के मज़े लेने हैं तो 2.1 पे रख दें, अदरवाइज इसको हम 3D पे रखेंगे तो हमारे पाँचों ऑन हो जाएंगे। अब कनेक्टिविटी हम यहाँ से किसी पर भी रखेंगे तो ऑटोमेटिक पाँचों ऑन कर देगा, पाँचों चलाएगा सेट ये, ठीक है जी। ये इसकी सेटिंग आ गई है, ये आप देखें। ये स्पीकर्स के बारे में बताता है कि बेस में आवाज़ देगा, यहाँ ये आपको रियर सुनवाएगा, ये सेटिंग आपको चेक करने के लिए साउंड की, ये आपका सेंटर स्पीकर सुनवाएगा, और ये आपके पाँचों स्पीकर्स को सुनवाएगा, ठीक है जी। अब ये इसका मास्टर वॉल्यूम है, और इंटरएक्टिव ये पूरा है पैनल इसका, पूरा डिजिटल लाइटनिंग के साथ है, जितना आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे जाता जाएगा ये। इसका साउंड डेमो भी लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो कनेक्टिविटी है ये इसका जो कंसोल है ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, और जब भी आप इसको लगाएं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ये जो इसके स्क्रूज होते हैं ये इनको आप टाइट कर दिया करें, ताकि इसमें लूजिंग ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना। और ऑप्टिकल के जो ये कवर हैं ये हमेशा लगे हुए होने चाहिए, अगर केबल नहीं लगी हुई तो इसको बंद होना चाहिए, वरना आपकी ऑप्टिकल लेज़र ख़राब हो सकती है। सेकेंड नंबर पे आप ये देख लें ये चैनल आ गई है। अब इस चैनल में जो है आपके ऊपर वाले जो दोनों हैं ये रियर हैं इसके लेफ्ट और राइट, और नीचे वाले जो है वो फ्रंट लेफ्ट और राइट हैं, और सबसे नीचे मैंने एक स्पीकर कनेक्ट किया है तो मैंने इसको सेंटर में लगा दिया, ये सेंटर स्पीकर के लिए, और ये सेंटर स्पीकर
मैंने इसको बना दिया है सेंटर स्पीकर, लेकिन ये सेंटर इसका नहीं है, लेकिन एक ही वॉट्स के हैं, 167 वॉट्स के हैं, तो मैंने एक ही बना दिया है इसको। अब ये जो वायर होती है, इसका लगाने का मैं तरीका बता दूँ आपको कि ये वायर दोनों तरफ से ब्लैक होती है। एक वायर के ऊपर आप देख रहे हैं कि वाइट कलर की एक लाइन चल रही है, ये देखें ये लाइन चल रही है, जिस पे वाइट कलर की लाइन चल रही है वो हमेशा ब्लैक पैनल में लगती है, और जो सॉलिड ब्लैक होता है वो रेड में लगता है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं कैलकुलेशन। और ये इसका रिमोट आ गया है, और रिमोट में जो है वो इनपुट के फंक्शंस आ गए हैं, इनपुट में आप चेंज कर सकते हैं, म्यूट आ गया है, ऑन ऑफ आ गया है, और सेकंड इसमें लेवल आ गया है साउंड का, आपने कितना रखना है, कम ज़्यादा आप लेवल कर सकते हैं, यानी कि रियर का आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रंट का कर सकते हैं, सेंटर स्पीकर का कर सकते हैं। और नीचे जो है वो इफ़ेक्ट है। अब इफ़ेक्ट में ये क्या करता है, इको क्रिएट कर देगा, मूवीज़ का साउंड क्रिएट कर देगा, ये इस टाइप की सेटिंग इसी कर देगा। अब थोड़ा सा इसका साउंड डेमो भी हम ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी, साउंड डेमो में आपको एक अलग अभी दूसरी वीडियो लगाऊंगा तो मैं उसमें दिखा दूंगा, अभी आप सिर्फ ये देख लें कि ये पैनल है। और एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसको चलाते हैं सेट को, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसकी बेस और इसका जो मास्टर वॉल्यूम है वो 2 पॉइंट गिरा के रखा करें, फिर आप इसको कंटिन्यूसली 4-5 घंटे भी यूज़ करेंगे तो ये सेट हीट नहीं होगा। सेकेंड, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम छोड़ा है इसका। ठीक है जी, ये इसका जो पैनल है, ये इसका पैनल हॉट होता है, तो ये केयर कीजिएगा कि जहाँ पर भी आप इसको अगर नीचे रखते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको कैबिनेट में रखते हैं, तो कम से कम भी इसको आपने आधे फिट की जगह पीछे से छोड़नी है, और साइड से भी आपने 6-6 इंच की जगह छोड़नी है, ताकि ये आपका सेट जो है वो हीट नहीं हो, क्योंकि ये हीट होगा तो लाजमी बात है ख़राब हो सकता है। ये आपने सेफ्टी करनी है, जनरेटर पे, यूपीएस पे आप कोशिश करें कि वो ना चलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, ये प्रॉब्लम कर जाते हैं। इसको एग्जैक्ट वोल्टेज चाहिए 220। ठीक है जी, अभी ये पैनल गर्म हो रहा है, मैंने इसको ऑन किया हुआ था काफ़ी देर से। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी अगर आपको मालूम लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे मालूम ले सकते हैं। इसका साउंड डेमो मैं भी लगाता हूँ, और पैनल के साथ सेटिंग के साथ मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।